कि वो थकता ही नहीं है। कितने ओले आपके मन की, जब थकेगा नहीं तो ईश्वर की तरफ चलेगा नहीं, है ना, हाथ मारा नहीं होगा। तो इसलिए मन को भी थका देना जरूरी है। सबसे पहली बात, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न कर देना चाहिए। आपके पास कोई चीज़ है उसमें सब्र करना चाहिए, और मन को भी बार बार बताना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ है, मैं इसमें अच्छे से रह सकता हूँ और अच्छे से गुजारा कर रहा हूँ, और मैं जिस काम को करने आया भगवान के उत्तमता से उसको कर रहा हूँ, मुझे प्रेत योनि में नहीं जाना है। आगे आगे सबको ये वचन देना पड़ेगा कि मुझे प्रेत योनि में नहीं जाना है। और अगर मुझे प्रेत योनि में नहीं जाना है तो भाई क्या करना है, फिर तो जाप करना पड़ेगा ना, ऐसे जैसे ये कर रहे हैं। दिखाओ उनको कैसे करना पड़ेगा, ऐसे तप करना पड़ेगा जैसे ये कर रहे हैं। इधर आइए, आगे ना समझ में। तो जब हम जप करेंगे, नाम की महत्ता को जानेंगे, तो ऊपर वाले का नाम लेंगे तो ऊपर वाले का ही आकर्षण होगा, और ऊपर के ही लोकों में जाएंगे, नीचे के लोकों में हमारा कुछ भी वास्ता नहीं रह जाएगा। अगर दोबारा जन्म मिला तो भी बेहतर, नहीं मिला तो भी बेहतर, दोबारा जन्म मिला तो भी बेहतर, और नहीं मिला तो भी बेहतर, अच्छा है ना। हमें अपनी पूजा कभी नहीं करानी चाहिए, पितरों को कभी नहीं पूजना चाहिए, समय समय पर उनको पिंड दान करना चाहिए, और वो भी कब, जब वो असलियत में आपके पितरों की गिनती में आए, प्रेत योनि में वो जब तक है आगे ना, तब आप उसका पिंड दान करते हैं, तो प्रेत योनि से कुछ ही बाहर आ पाते हैं, सारे नहीं आ पाते, सारे का विधान है ही नहीं, मैंने देख लिया। अब कितने लोग अपना पिंड दान करते हैं, तकरीबन यहाँ कितने बैठे लोगों ने पिंड दान किया बताना जरा मेरे को, हाथ उठाना। वो करके आए हैं, ये करके आए हैं, फिर भी दुखी है, फिर भी कष्ट में है, और उनको पितरों की समस्या पाएगी, क्योंकि अब क्या हो गया है, पहले एक यज्ञ होता था, यज्ञ में कोई कीमत नहीं होती थी, राजा ने यज्ञ कराया, आठ ब्राह्मण आए, आठ ब्राह्मणों ने यज्ञ कर दिया। अब ब्राह्मण कहेंगे राजा आपका यज्ञ हो गया, आप प्रसन्न होइए और सारी जनता में कुछ कुछ बांटिए। अब राजा पहले नगर के ब्राह्मणों को बुलाता है, फिर शूद्रों को बुलाता है, इस तरह से वो सारे वर्ण बुलाता है और सबको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दान देता है। तो फिर क्या होता है, फिर लास्ट में बारी किसकी आती है, उन आठ ब्राह्मणों की। तो वो मांगते नहीं है, वो तय नहीं करते हैं, और फिर उनको यज्ञ का वो दी जाती है, आहुति दी जाती है कि भाई ये यज्ञ आपने हमारे यहाँ किया, हम प्रसन्न हुए, हम आपको ये सामान दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलता है, क्योंकि वो मांगते नहीं है, वो धारण नहीं करते हैं। ये बात मैंने दुनिया को साबित कर दी थी, और पंडितों को भी मैंने ये बात साबित कर रखी है। मैंने पंडितों से भी बहुत पाठ कराए हैं लोगों के, लेकिन कल्याण के लिए कराए और बिना तय किए कराए। तो हमने चार जगह पाठ कराया पंडितों से, रामायण का पाठ कराया, वो जितना मांगना चाहते थे, कम से कम या बीच का मध्य का, मान लिया उन्होंने 15,000 रुपये मांगने थे 10 से 15 के बीच में, तो उनको ज़्यादा दिया लोगों ने बिना मांगे, आगे ना समझ में, और उनको कम मिले मांगने से, आता है समझ में, कब मिले मांगने से, और बिना मांगे क्या मिले, ज्यादा मिले, और साथ में गिफ्ट मिले, किसी को मोबाइल मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, ऐसा भी होता है ना। हाँ, तो बिना मांगे तो मोती मिलता है, और मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आए, इसके लिए उत्तमता से हमें अध्यात्म का गठन करना है और नाम जप करना है। नाम संकीर्तन सबसे बड़ा है संसार में, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। या तो आप मंत्र जाप करें, या भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जब ऊपर वाले के नाम का संकीर्तन करेंगे तो आप ऊपर के लोकों में जाएंगे, और नीचे के संकीर्तन में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं कभी भी किसी जागरण में खड़ा नहीं हो सकता, जा नहीं सकता, 5-10 मिनट बैठ नहीं सकता, क्योंकि उचाटी लग जाती है, उच्चाटन हो जाएगा। आरण समझ में। तो आप लोग सब स्वस्थ रहें, सुखी रहे, मेरी यही कामना है, और छोटी छोटी बातों पर नजर करें। अभी से आपको नाम जब मिल गया है तो ये न माने संसार में आपको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे ना, किसी संसारिक गुरु से आपका कोई उद्धार नहीं है, कभी आप ये समझो, केवल नाम जब से उद्धार है। और गुरु जो है वो आपके आत्म तत्व में पहले से ही समाया हुआ है, जो आपको बार बार टोकता है, जो आपको बार बार बताता है, आपका हृदय आपको बता देगा कौन सा कर्म इस संसार में गलत है और कौन सा सही है। बताओ इसके अलावा फिर कहाँ गुरु ढूंढने जाओगे, ठीक है। और सबसे पहली बात तो माता पिता ही आपके गुरु हैं, उन्होंने इतनी सारी शिक्षा दे दी है आपको, उन्होंने ये भी बता दिया बेटा ये बुरा है और ये अच्छा है, फिर रह गया क्या, उसके अलावा कुछ रहता है, फिर आप भटकते रहते हो। और फिर मैंने आके आपको मंत्र का दान कर दिया, या बहुत सारे महात्माओं ने आके आपको मंत्र का दान कर दिया, वो मंत्र जपते रहिए। अब आपकी गुरु से ज़्यादा पहले भगवान में श्रद्धा आनी चाहिए, जब भगवान उस मंत्र से आ जाए तब गुरु में श्रद्धा वापिस आनी चाहिए,
क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब तक गोविंद नहीं आया तब तक गुरु के बलिहारी मत जाओ। आप जाते ही पहले, अब ये कलयुग चल रहा है, जाते ही पहले गुरु के बलिहार हो जाते हो, अपनी गर्दन दे देते हो, अपनी जमीन और पैसा भी दे देते हो और उसकी हर तरह से सेवा उठा देते हो। बाद में वो बदल जाता है, पलट जाता है, पास ही पलट जाता है। बाद में आप कहते हो कुछ भी नहीं मिला, उद्धार भी नहीं हुआ, है ना। अब गुरु आपके साथ में बैठ के जप करने वाला होना चाहिए। मैं सवेरे से शाम तक आपके साथ जप करूँगा, फिर भी आपका गुरु नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? मैंने शिष्य बनाना ही नहीं है, मैंने गुरु ही बनाना है। मतलब आप इतने कैपेबल हो कि आप गुरु रूप में समाज में काम करो। आप कम से कम अपने बच्चों के तो अच्छे माता पिता और अच्छे गुरु बनो, है ना। तो इसलिए अध्यात्म से जुड़ो, अपनी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ो, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे ग्रंथ आज भी सर्वश्रेष्ठ है और उनको पढ़ो, उनमें सब कुछ रखा हुआ है। आ गया ना समझ में? किसी जाति धर्म के चक्कर में पढ़ो ही मत। आप ये समझो कि आपको मानव बनाया उस ईश्वर ने और सबके जैसा बनाया, अलग नहीं बनाया। ऐसा तो नहीं है कि उसके बाल नीचे की तरफ उगते हो और आपके ऊपर की तरफ उगते हो। किसी जाति विशेष में कोई बदलाव है? अगर उसने मानव का शरीर पाया है तो सेम ऐसे ऐसे ही प्रक्रिया होती है, पैर भी बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है किसी जाति विशेष को, जैसे भाई ये ब्राह्मण है इसके पैर छोटे होते हैं और बाकी धड़ बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा है वो तो फिर किसी को बोना बनाना है तो बना ही देता है वो माँ के गर्भ से ही। तो इस तरह से जो है ना, सुख में आनंद में जीवन जिए और भगवान का नाम लेते रहिए। आपकी निगेटिविटी की जो धारा है वो उस नाम से बदल जाएगी, आपके घर में पॉजिटिविटी आने लगेगी। जय शनिदेव सबको। जय शनिदेव। सच्चे दरबार की जय। सबसे अच्छे दरबार की जय। बोलो शनिदेव। महाराज की जय। बोलो साबिर प्यारे की जय।